नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज बात होगी महाबंध की, ग्रेट लॉक। तो दो शब्द है बंध और उसके आगे महा। तो पहले बात करते हैं बंध की। बंध योग की सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस में से एक है और प्राचीन सभी ऋषि मुनियों ने इस पे खास फोकस दिया। इसलिए अगर कोई भी पुराना, अगर आपके ध्यान में योगियों की मूर्ति प्रतिमा आती है तो आप देखते होंगे कि योगी पद्मासन में बैठे हुए पेट अंदर करके ध्यान मग्न है। ये प्रतिमा और कुछ नहीं, ये बंध को रिफ्लेक्ट करती है। धीरे धीरे समय गुजरा और बंध का असर कम होने लगा और आसन ज़्यादा दिखने लगा। हो सकता है कि प्राचीन समय में आसन को पिक्चर के तौर में दिखाना कठिन रहा भी हो, तो इसीलिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी बंध, उसको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दिखाया गया ताकि योग के मैसेज को बेहतर डिलीवर किया जा सके। बंध मतलब बांधना है, तो यहाँ किसको बांधना है इसको समझेंगे। बंध से ही आगे जाकर के बांध बना, जैसे हम जलाशयों में बांध बांधते हैं तो हम पानी को एक समुचित दिशा दे पाते हैं। बहुत ऊंचाई से पानी गिरती है और वो उतनी ही तीव्रता से पूरे हमारे गांव और ग्रामीण इलाकों या कहीं भी शहरों में प्रवेश कर जाती है और तबाही मच जाती है। और इस तबाही को रोकने के लिए हम लोगों ने, साइंस ने, मौजूदा पैटर्न ने बांध बनाना शुरू किया। बांध के दो उपयोग हुए, एक तो पानी को पहले तबाही के रूप में रोका गया, दूसरा जहाँ ज़रूरत है पानी को उस जगह दिशा दी गई, तीसरा जो तेज गति से पानी गिरती है उससे बिजली पैदा की गई और आपके घर में रोशनी आ सकी। तो ऊर्जा को अलग अलग दिशा में रूपांतरित किया गया, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स लॉ कहता है कि ऊर्जा ना तो कभी नष्ट होती है, वो बल्कि ट्रांसफॉर्म होती है, एक फॉर्म बदल लेती है। जैसे मैंने अभी ताली बजाई तो दो हाथों की टकराहट से जो ऊर्जा पैदा हुई वो साउंड का रूप ले ली। तो इस तरीके से ऊर्जा क्या होती है, रूपांतरण होती है, उसका विनाश नहीं होता। तो हमारे अंदर भी ऊर्जा जो है, उस प्राण ऊर्जा को जिसकी योग बात करता है, उसको बांधना, उसको चैनलाइज करना। जैसे पानी को हम चैनलाइज करते हैं कि किधर जाए किधर ना जाए, उसी तरह हमारे अंदर जो सूक्ष्म ऊर्जा प्राण के तौर में मौजूद है उसको हम कैसे सही दिशा में चैनलाइज करें, उसका काम है बंध का। कि ऊर्जा जो हमारे शरीर से बिखर रही है उसको हम कैसे स्टोर करें ताकि उसका मिसयूज नहीं हो। और माना जाता है, योग शास्त्र कहता है कि ऊर्जा तीन दिशाओं से ज़्यादा क्षय करती है हमारे शरीर में। एक लोअर एरिया से, जिसके लिए हम मूल बंध इंगेज करते हैं, दूसरा मिडल एरिया से ऊर्जा क्षय की तरफ जाती है, उसके लिए हम लोग उद्यान बंद करते हैं, और एक ऊपरी क्षेत्र से ऊर्जा का गमन होता है उसके लिए हम लोग जालंधर बंद करते हैं। तो अलग अलग बंध जो हैं, उन तीनों बंधों को, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध, इन तीनों को जब हम एक साथ अप्लाई करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस महाबंध कहलाता है। जो तीनों बंध का अलग अलग बेनिफिट है वो तीनों एक साथ हमको हासिल हो पाता है। तो इसीलिए आज महाबंध ज़्यादा फोकस है कि हम जो अपनी ऊर्जा है उसको कैसे अपलिफ्ट करें, हम अपनी जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में कैसे पहुँचाएँ, हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कैसे बनाएं। जो सबसे लोअर एनर्जी हमारा हमेशा गमन करता रहता है, और ये माना जाता है कि महाबंध आपकी काम ऊर्जा को ब्रह्म ऊर्जा तक एक्टिव करती है, काम की ऊर्जा को राम की ऊर्जा तक कन्वर्ट करती है। क्योंकि ऊर्जा वही है जो उस दिशा में जाना चाहती है, उसी ऊर्जा को हमने काम से राम की तरफ कन्वर्ट कर दिया। ऊर्जा मैंने जैसे कहा, एक ऊर्जा नाश कर रही थी, पानी ऊंचाई से गिर रही थी और घर द्वार गांव में घुस करके तबाही मचा रही थी, ठीक उसी तरह हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा का स्रोत है और वो ऊर्जा हमें कामुक बना सकता है, हमें भटका सकता है अपने मंजिल की तरफ से, अपने रास्ते से बिगाड़ सकता है।
तो उस ऊर्जा को कैसे हम सही दिशा दें, उसके लिए योग साधना है और महाबंध उसमें एक अचूक बाण है। इसीलिए इसके महाबंध के और क्या फायदे हैं हम बताएंगे। शुरुआत मैंने किया महाबंध से ही, जिसको पद्मासन में बैठ करके आप कर सकते हैं तो वो बेस्ट रहता है। अगर पद्मासन जिनसे नहीं हो सकता है वो सुखासन में भी बैठ के करें, लेकिन बैठ के करना थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा बंद लगाने के लिए, क्योंकि शुरुआत में आपका पेट का मसल उतना आप बैठे पोजीशन में लूज नहीं कर पाएंगे। जब तक पेट का मसल लूज नहीं हो आप बंद को इंगेज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले खड़े होकर के हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप बंद की पहली अभ्यास जो करें खड़े होकर के, फिर हम बताएंगे कि इसका फिजिकल बेनिफिट और क्या। अभी तो स्पिरिचुअल टॉक बता रहे थे कि आध्यात्मिक इसका महत्व क्या है, लेकिन शारीरिक रूप से आपको क्या फायदा मिलने वाला है, मानसिक रूप से क्या फायदा, क्या दृश्य पैदा है, क्या अदृश्य फायदा है। अदृश्य फायदे आपको नजर नहीं आएंगे, दृश्य ऊपर ऊपर से दिख जाएगा। तो हम इन तमाम चीजों पर बात करते जाएंगे। पहले बंद का, और ये जो बंद है वो हम पहले उड्डयन बंद आपको लगा के दिखा रहे हैं, और फिर उसमें मूल बंद और जालंधर बंद को जोड़ करके बैठ करके आपको समझाएंगे। मुख्य बंद यहाँ पर उड्डयन है, जिसको ज्यादा समझने की जरूरत है। पहले पर कि आप जब खड़े रहें तो अपने दोनों पांव के बीच में गैप रखें, हिप के डिस्टेंस के बराबर। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है। और फिर जब आप नी को बेंड करना है इस पोजिशन में, नी को बेंड करने से क्या होगा, आपका पेट का मसल लूज होगा। अगर आप सीधा बंद लगाएंगे तो आपका टाइट फील आएगा, तो बंद ज्यादा बेहतर नहीं लगेगा। तो नी को बेंड करेंगे, हाथों को इस तरह से सीधा रखेंगे तो ये आपको सपोर्ट देगा। देखिए हथेली का पोजीशन, सांस लेंगे और जो बंद लगाएंगे महाबंध, और खासतौर पर भी उड्डयन बंद लगा रहे हैं तो सांस को बाहर निकाल के, यानी पूरक ना करके रेचक कंप्लीट, और मुंह में भी जो सांस रहे उसको भी बाहर कर दी, ताकि पूरा एम्प्टीनेस हो, खाली हो जाए। और सबसे अच्छा जो समय है बंद लगाने का वो मॉर्निंग समय है, जब आप शौच से बाहर आ जाएं, पेट पूरी तरह से खाली है, बहुत ज़्यादा पानी पी के बंद ना लगाएं। हाँ, अगर आपने आधा घंटा एक घंटा पहले पानी पिया है और पूरा नित्य क्रिया करते करते समय गुजर चुका है उसके बाद आप बंद लगाएं बेस्ट है। प्रैक्टिस की शुरुआत में भी आप बंद लगा सकते हैं, प्राणायाम के बाद में भी बंद लगा सकते हैं। प्राणायाम के बाद करेंगे तो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। देखें तो पहले सांस लेंगे डीप, सांस छोड़ेंगे और ये पोजीशन रहेगा। जैसे मैं सिर्फ सांस छोड़ के भी दिखाता हूं, फिर बंद का पूरा प्रक्रिया। ये अभी मैंने आपको दिखाया, अभी पेट का पोजीशन आपको दिखाएंगे, ज्यादा क्लियरिटी से आएगी। तो कि सांस छोड़ें, मुंह से भी बाहर कर दिए, थोड़ा झुके हैं, फिर हाथ को सीधा कर दिए। अब पेट अंदर करके जो ध्यान बंद लगेगा उसको कैसे करेंगे, उसको फील करें। तो जब आप रिलीज करें बंद को तो पहले थोड़ा सा झुकें, नहीं तो क्या होगा, मसल पेट का खींच सकता है आपका। तो पहले थोड़ा झुकेंगे और फिर सांस को बाहर करते हुए, सांस तो ऑलरेडी बाहर था, सांस को धीरे लेते लेते ऊपर उठाएंगे। तो ये एक पूरा बंद का प्रोसेस है, और आप इसको पहले बैठ करके खड़े होकर के करेंगे, और जब ये अभ्यास हो जाए तो फिर आप बैठेंगे। क्योंकि प्राणायाम अगर आप करने के बाद फिर खड़े होंगे तो जो आपका प्राणिक फ्लो था, जो शांति थी, वो भंग हो जाएगी। तो हम आगे बताते हैं बैठ के कैसे करें। उससे पहले बंद के, महाबंद के क्या क्या फायदे हैं मैं बताना चाहूँगा। पहले फिजिकल बेनिफिट, कि जो महाबंद करता है उसका आंतों से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं रहेगी। खासतौर पर मॉडर्न टाइम में हम लगातार बैठ के काम करते हैं, ऑफिस में हो, या ऐसी हैबिट भी बन गई है कि ऑफिस में ना भी हो तो हमको तुरंत कुर्सी चाहिए बैठने के लिए। तो ऐसे में ब्लड का फ्लो हमारा
इंडेस्टाइन के तरफ, पेट के तरफ एकदम कम हो गया है। महाबंद वो व्यवस्था है जो ब्लड के फ्लो को उस तरफ बढ़ाएगा, और ब्लड के साथ जब आप ब्रीदिंग करते हैं, जहाँ जहाँ ब्लड पहुँचेगा वहाँ सांस पहुँचेगी, प्राण पहुँचेगा, तो वो जो अंग है आपका, टिश्यू है, सेल है, उस एरिया में वो तंदुरुस्त होगा। और इससे क्या होगा, इंडाइजेशन, अपचन की प्रक्रिया जिनको हो, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, उन सबको लाभ पहुँचेगा। आँतों में किसी तरह का सूजन हो, प्रॉब्लम हो, भविष्य में कभी भी आंतों का कैंसर नहीं हो सकता, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, वायु का विकार बहुत ज़्यादा बनता हो उसको जगह नहीं मिलेगी, आंतों में मजबूती आएगी, वो अलग प्रक्रिया है। डायबिटीज़ पेशेंट हो उनको बेहतर है, किसी ऐसे व्यक्ति जिनका खाना पीना खाते हैं लेकिन खाने का अवशोषण नहीं होता है, या डाइजेस्टिव फायर कमज़ोर है, उनको फायदा हो सकता है। आपका पैल्विक रीजन जो है वो स्ट्रांग हो सकता है। ये सब फिजिकल बेनिफिट है। मेंटल बेनिफिट क्या है, कि जब जब आप बंद लगाते हैं, सांस को रोकते हैं, तो आपका कॉन्शसनेस जागृत होता है, तो आपके अंदर एकाग्रता का भाव ज़्यादा आएगा, आपका तनाव खत्म होगा, आप में डिप्रेशन की फीलिंग है वो जाने लगेगी। आप जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि जैसे ही आप सांस रोकते हैं तो ब्लड का फ्लो ब्रेन के तरफ ज़्यादा बढ़ता है, तो बंद लगाने से आप ब्लड को ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे बंद के तरफ से, तो आपका चैतन्य स्वभाव जो है वो ज़्यादा जगेगा, पीस ज़्यादा नज़र आएगा। अगर आध्यात्मिक रूप से कहें तो चक्र साधना में बंद का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बंद लगाते हैं, तीनों बंद खासतौर पर, तो आपका मूल बंद जो करता है वो मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र को सपोर्ट करता है, स्टिमुलेट करता है। उड्यान बंद जो है वो मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है, और मणिपुर चक्र जो है शक्ति का भंडार है, आपकी सारी प्राणिक ऊर्जा वहाँ पे केंद्रित होती है आपके नाभि में, तो आप इतने सारे बेनिफिट। और जालंधर बंद जो है आपका विशुद्ध चक्र उसको संतुलित करता है, जिससे आपकी वाचन क्रिया में, आपके बोलने के शैली में शुद्धता आती है, आपका कंठ प्रदेश, आपका आहार नली ये स्वस्थ रहता है। IBS जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम जिसको है, खाना खाते ऊपर आता है जैसे लगता हो, तो ऐसे तमाम। और जब आप जालंधर बंद लगाते हैं तो आप सिर को ये पोजीशन रहता है बहुत टाइट, कई लोग करते हैं वो टाइट ना करें, हल्का सा ढीला छोड़ेंगे सिर को, कम्फर्ट पोजिशन हो, टाइट कुछ नहीं करना है, टेंशन लगे थोड़ा सा नीचे करने से क्या होता है, डिसकनेक्शन होता है, आपका सारा इंफॉर्मेशन ब्रेन से कनेक्ट होता है यहाँ स्पाइन में आके, जब आप नीचे करते हैं तो वो फ्लो जो है कम होता है, तो लेस टास्क ब्रेन को मिलता है, कम काम, तो उससे पीस मिलता है, तो आपका पीस ऑफ माइंड के लिए जालंधर बंद भी काफ़ी उपयोगी है। ये अलग अलग बंद के जो फायदे हैं, आध्यात्मिक और मानसिक और फिजिकल, ये सब मैंने बताया, और ये तीनों चीज़ें, तीनों लाभ आप एक महाबंद से प्राप्त कर सकते हैं। आप महाबंध कितनी बार करें, तो मेरा कहना है जब जब कोई प्राणायाम करें, एक प्राणायाम का चक्र पूरा हो उसके बाद बंध लगाएं, महाबंध लगाएं, और उसके बाद फिर प्राणायाम की दूसरी प्रक्रिया शुरू करें, जैसे कि मैं अनुलोम विलोम कर दिया, उसके बाद शांत हो गया, फिर बंध लगा दिया। अब बैठ के बंध कैसे लगाएं ये पहले समझें। आप पद्मासन बेस्ट तरीका है, अगर पद्मासन नहीं हो तो दूसरा तरीका सुखासन में, वज्रासन में, जो भी हो, या मैंने ये बताया था सिद्धासना, उस पोजीशन में भी अच्छा है क्योंकि पैर फैला रहता है, तो जिनका पद्मासन नहीं लगाता है सिद्धासन लगाएंगे, सिद्धासन का वीडियो भी बना रखा है आप देखें तो देखेंगे, फिर से एक बार बैठ कर के पोजीशन में वही पोजीशन रहेगा, सांस लेंगे पहले धीरे से, तो थोड़ा सा हम नी एल्बो को बैंड भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा झुकेंगे इसमें भी, तो स्पाइन का मोड़ होने से पेट में जगह भी नहींगी, और किसी को पद्मासन में करना हो तो वो स्ट्रेट कर सकते हैं, बार बार मुझे नहीं लगता है कि पेट दिखाने की ज़रूरत है, आप समझ गए होंगे। तो
तो प्रक्रिया क्या है कि अपूर्ण बंद जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले सांस लेके छोड़ दिए आप, और फिर यहाँ से उठते हैं तो पहला जालंधर बंद लगाएंगे, फिर उड्यान बंद लगाएंगे, और फिर मूल बंद। मूल बंद में क्या करना होता है, जो गुदा द्वार है उसको पहले संकोचन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर ऐसा फील करेंगे जैसे गुदा द्वार को लिफ्ट कर रहे हैं। अब मूल बंद पर और ज़्यादा इसके क्या बेनिफिट है, कैसे आपको लाभ देता है, अलग एक वीडियो बना के आपको जरूर बताएंगे डिटेल में। तो ये इसका प्रोसेस है कि जैसे आप लॉक करके कॉन्ट्रैक्ट करके या आखिरी में करेंगे, और जैसे मूल बंद और टाइट होगा आपको लगेगा पेट आपका और उड्यान और ज़्यादा जाने लगा, जालंधर में गर्दन। तो पूरा तीनों बंद को मिला करके महाबंध में करने जा रहा हूँ पद्मासन में। सबसे पहले धीरे लंबी गहरी सांस, तो प्रक्रिया इजी है। जैसे सांस छोड़ेंगे, झुकेंगे, मुंह से सांस पूरी तरह से, नाक से सांस निकाल देंगे, फिर धीरे धीरे उठते जाएंगे, सिर नीचे किए जालंधर बंद, पेट अंदर किए उड्यान बंद, एनस कॉन्ट्रैक्ट करके लिफ्ट किए मूल बंद, और फिर जैसे जैसे टाइम पास हुए बंद आप स्पाइन सीधी करते जाएं और बंद को इंगेज करें। जिनको दिक्कत होती है थोड़ा सा स्पाइन को फोल्ड रख सकते हैं, हाथ को फोल्ड रख सकते हैं, लेकिन पेट को अंदर करते जाएं। और फिर जब छोड़ें आप बंद को तो सबसे पहले मूल बंद रिलीज करें, फिर उड्यान बंद रिलीज करें, फिर जालंधर, मतलब रिवर्स ऑर्डर में इसको आपको रिलीज करना है। तो ये महाबंध का पूरा प्रक्रिया है। अब सवाल कई उठेगा तो मेरा जवाब यही है, प्राणायाम की हर प्रैक्टिस के बाद जैसे मैंने प्राणायाम अनुलोम विलोम किया, बंद लगा के थोड़ी देर शांत हो गए, फिर बंद रिलीज करके शांत हो जाएं, तभी आपको इसका रिजल्ट आपको दिखेगा कि उसी समय आपको कितनी ज़्यादा पीस होती है। और खाली पेट सुबह का समय सबसे बेस्ट है। और इस पूरे प्रक्रिया को आप करके कैसा फील करते हैं जरूर बताएंगे, कमेंट करेंगे। और महाबंध की इस प्रक्रिया को महाअभियान के तहत चारों तरफ शेयर करें, ऐसी गुजारिश है, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ आप तक न पहुंचे, सही दिशा में पाया गया ज्ञान चारों तरफ पहुंचे, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी गलत प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा फैला दिया गया है। हमारा दायित्व है कि हम सही प्रैक्टिस को देखने के बाद उसको शेयर करें जहाँ भी आपको मिले। ऐसा नहीं कि मेरे पास ही, कहीं भी सही प्रैक्टिस मिलती है आप उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि उससे योग आगे बढ़ेगा। और गलत बार बार आगे बढ़ने से गलत ही आज सही हो गया है, इसलिए इन तमाम जिम्मेदारियों के साथ योग को जारी रखें। बहुत शुभकामनाएँ आपको, नमस्कार।